The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal. Main hoon Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education as usual. आई होप आप रोज देखते नहीं देखते हैं तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा, मिलना तो चाहिए। देखिए ज्ञान बहुत जरूरी है। आज आपको ज्ञान देंगे हम ब्लड डोनेशन के बारे में। देखिए ब्लड डोनेट करना चाहिए, जरूरी होता है। हो सकता है किसी दिन आपको या आपके किसी जानने वाले को खून या खून के किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़े तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि खून के प्रोडक्ट भी होते हैं और ब्लड डोनेशन के टाइप भी होते हैं। क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि हर ब्लड डोनेशन से वीकनेस नहीं होती, हर ब्लड डोनेशन से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गिविंग द राइट टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन बेस्ड ऑन योर ब्लड टाइप एंड द पेशेंट नीड एक्चुअली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्स यू एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड सो दैट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सो पहला और सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन का टाइप है होल ब्लड, मतलब पूरा का पूर्ण ब्लड देते हैं पूरा ब्लड। सो ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है और ये सिंपल फॉर्म में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ओरिजिनल फॉर्म में इसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मल्टीपल एक आदमी से लेके मल्टीपल पीपल को दिया जा सकता है, दो मल्टीपल लोगों से लेके एक आदमी को दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक पैकेट किसी का, दूसरा पैकेट किसी का हो सकता है, आपको चार लोगों से लेके दिया जा सके रेड। उसके अलावा इस होल ब्लड को सेपरेट किया जाता है बाद में। अब होल ब्लड जो हो गया ज़्यादातर ट्रॉमा पेशेंट, जिनको चोट लगती है, जिनका कोई ऑपरेशन होता है, अंडरगोइंग सर्जरी होती है, ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है। क्योंकि होल ब्लड लॉस होता है, होल ब्लड लॉस, होल ब्लड रिप्लेस्ड, और इसको एक घंटा लगता है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो एक घंटा निकाल के जाइएगा और ये किसी भी तरह के ब्लड टाइप हो आपका, AB, 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 O, A+, -, डजंट मैटर, आप होल ब्लड दे सकते हो अपना, सिंपल। अब ब्लड को पकड़ के हमने अगर तोड़ा, मंजे उसका स्पेसिफिक कंपोनेंट अलग किया, तब अलग अलग बात आती है। उसमें ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनको अलग किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, एक होती है रेड ब्लड सेल की डोनेशन। तो रेड ब्लड सेल डोनेशन मतलब पावर रेड डोनेशन इसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड डोज ऑफ रेड सेल्स। ये देते हैं आपको किसी पेशेंट्स को बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। PRBC, पैक्स RBCs बोलते हैं, पार्ट ऑफ योर ब्लड विच इज़ यूज लाइक दिस, राइट। अब इस टाइप में क्या है, ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है एक, जो खून से रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर देता है, बाकी सारे जो प्लाज्मा और प्लेटलेट है उसको अलग कर देता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड जो है उनके लिए काम आएगा, जिनका जो ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, जो न्यू बॉर्न है, इमरजेंसी ट्रांसफ्यूज करना है, कभी मान लो ड्यूरिंग बर्थ कोई सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, या किसी को भी कोई भी ब्लड लॉस है, तो रेड ब्लड सेल्स का पैक्ड सेल्स ब्लीडिंग वाले केसेस में होल ब्लड से थोड़ा बेटर होता है। इसको डोनेट करके प्रिपेयर करने में 1.5 घंटा लग जाता है। इसमें लेकिन एक चीज़ है, इसमें आप जो है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव जो है आइडियल होते हैं, आइडियल ब्लड टाइप्स, ये वाले जो देंगे सबसे अच्छा है, बाकी दूसरे भी दे सकते हैं। इसके अलावा होता है भैया अपना प्लेटलेट डोनेशन, प्लेटलेट का भी डोनेशन किया जाता है। प्लेटलेट जो होते हैं टाइनी सेल्स हैं आपके ब्लड के अंदर, जो कि क्लॉट बनाते हैं, ब्लीडिंग को रोक देते हैं, और प्लेटलेट जो है मोस्ट ऑफन ज़्यादातर ब्लीडिंग वाले या कैंसर वाले या लो प्लेटलेट काउंट वाले या इंजरी वाले, इलनेस वाले पेशेंट्स में यूज़ होता है, जिनमें के खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। कैंसर के पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ऐसे लोगों में दिया जाता है। डेंगू फीवर में जब प्लेटलेट काउंट आपका कम हो जाता है, उस केस में दिया जाता है। तो प्लेटलेट डोनेशन में एक प्लाज्मा फेरेसिस नाम की मशीन होती है, जिसमें आपका खून जो है एक तरफ से निकाला जाता है, प्लाज्मा फेरेसिस में प्लेटलेट अलग कर लिए जाते हैं, बाकी का खून वापस आ जाता है। तो आपको कोई कमजोरी नहीं होती, तो आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ आपके साथ। तो इस तरह से आपका प्लेटलेट निकाला जा सकता है, और एक हफ्ते में 2 बार प्लेटलेट दे सकते हो, जबकि ब्लड डोनेशन जो है महीने में 2 बार दिया जा सकता है। और प्लेटलेट जो है वाइटल होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, और कई सारे ऑपरेशन के ऐसे प्रोसीजर्स के लिए, और कभी कभी डेंगू जैसी बीमारी में केवल प्लेटलेट भर की जरूरत होती है और अपने आप बाकी की चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये प्लेटलेट की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको। प्लेटलेट को निकालने के लिए 2.5 से 3 घंटे तक लग जाते हैं, और उसको इकट्ठा करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने में जो लगता है वो है। सो आइडियली प्लेटलेट जो कौन कौन दे सकता है, आप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सब दे सकते हैं, राइट। तो बी नेगेटिव जो है वो प्लेटलेट आइडियल नहीं है, बट देन मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, राइट। दैट इज देयर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लाज्मा डोनेशन।
प्लाज्मा डोनेशन भी होता है, मतलब खून के अंदर का सिर्फ लिक्विड, खून के अंदर का सिर्फ लिक्विड दिया, जो आज के प्लाज्मा थेरेपी सुन रहे हैं आप जो कोरोना के लिए हो रही है, तो प्लाज्मा डोनेशन भी होता है। तो प्लाज्मा डोनेशन जो है दैट इज उसके अंदर, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर ये इमरजेंसी सिचुएशन में, उसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं, आपके ब्लड के अंदर कोई कोएगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। सो प्लाज्मा से कई सारे लोगों की हेल्प की जा सकती है। ये चीज़ अगेन इन्फेक्शंस में काम आता है, कई सारे लोगों के ट्रीटमेंट में काम आता है, ब्लीडिंग के रोकने के लिए भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कई बार हमें खून नहीं पूरा नहीं, सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देते हैं कि सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, खून बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ तो ब्लीडिंग रोक दो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दो, तो इतना कर लेते हैं राइट। नहीं तो पूरा ब्लड दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड में बहुत सारा वॉल्यूम आ जाएगा, और सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया तो सिर्फ प्लाज्मा आ जाएगा, तो वॉल्यूम कम रहेगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ब्लीडिंग में तीनों काम आ सकते हैं, चारों काम आ सकते हैं, याद रखिए दैट इज देयर। सो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट भिन्न 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 प्रकार के ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जिनके तरफ से आप डोनेशन कर सकते हैं। याद रखिए ब्लड डोनेशन आपको करना चाहिए, आपका फर्ज है, आपका हक है, आपका जिम्मेदारी है, और कई लोगों की जान बचा सकते हैं आप एकमात्र अपने ब्लड डोनेशन से। तो ब्लड डोनेशन ज़रूर करिए, और आपके किसी भी चाहने वाले को ना खुदा ना खास्ता आज के डेट में कभी भी ब्लड की, प्लाज्मा की, आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की, किसी की भी ज़रूरत पड़े तो उसको मिल जाए, ये हमारी उम्मीद है, आपकी भी उम्मीद होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़ोरदार तरीके से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन।